आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं टाटा स्टील स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक के चार्ट को डिस्कस करें, इससे पहले मैं आपको इजीली बताऊं तो इसके टेक्निकल्स को आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये अंडर परफॉर्म रहा है निफ्टी मेटल इंडेक्स के कंपेरेटिवली। पिछले वन वीक में जहां निफ्टी मेटल ने मोर देन 1% तक की तेजी दिखाई, वहीं देखेंगे कि इस स्टॉक में मोर देन 3-4% के आसपास तक का करेक्शन दिखा। पिछले वन मंथ के ट्रेंड को भी देखें तो निफ्टी मेटल मोर देन 4% की तेजी रही, वहीं देखेंगे तो टाटा स्टील में 5% की गिरावट दिखी है। अब इस स्टॉक के डिलीवरी को देखें तो डिलीवरी अच्छी खासी दिख रही है 50% तक की, लेकिन ट्रेंड टेक्निकल में आप इजीली चार्ट में समझ पाएंगे कि किस प्रकार से स्टॉक ने एक कंसोलिडेट जोन को भी ब्रेकडाउन कर चुका है। इस समय बाय ऑन डिप्स करने से बचेंगे। हालांकि हमने बहुत सारे लोगों को कहा था कि 110 या फिर कुछ भी कॉल लेने की जरूरत नहीं है जब तक ये स्टॉक 110 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, फिर भी बहुत सारे लोगों ने ऐसी गलती की और जिन्होंने गलती किया उनको श्योरली पे करना ही पड़ेगा मिस्टेक का जो भी दंड आपको मिलता है। इस समय अगर आप शॉर्ट हैं इस स्टॉक में तो 108 के ऊपर के एसएल को फॉलो करेंगे। व्यू इस समय वीक है और ये स्टॉक डाउनसाइड में देखे तो नेक्स्ट सपोर्ट 92-94 का दिखता है। लॉन्ग 110 के ऊपर ही करेंगे, 110 के ऊपर सस्टेन करते हैं तो 140 तक के लेवल्स दिखेंगे, लेकिन इस समय बाय ऑन डिप्स करने से शॉर्ट टर्म ट्रेडर बचेंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट के लिए कर रखा है तो पैनिक सेलिंग नहीं करेंगे। 92 के आसपास अगेन एक अपॉर्चुनिटी दिख सकता है, इन्वेस्टर बने रहेंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडर लॉन्ग करने से बचेंगे, शॉर्ट प्रॉपर एसएल के साथ किया जा सकता है।